अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और हमारा वॉन कुकिंग शो देख रहे होंगे और रेसिपीज़ भी ट्राई कर रहे होंगे। आज का शो भी हमारा बहुत ख़ास है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है सीजन्स कनोला। एक अच्छा ऑयल आपके घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अच्छा तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे, अच्छा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां होने का ख़तरा होता है। सबसे पहले तो हार्ट की बीमारी होने का ख़तरा होता है अगर आप अच्छा तेल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और सीजन्स कनोला ऐसा ऑयल है जो एक तो इसमें विटामिन ए, डी और ई शामिल हैं, ओमेगा 3 शामिल है, साथ साथ इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और इतना ज़्यादा ज़बरदस्त ऑयल है कि जब हम कोई भी खाना बनाते हैं, किसी भी तरह की फ्राइंग करें, कोई भी सालन बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप उसको फ्रिज में रखते हैं, निकालते हैं तो ऑयल जम जाता है, तो वो निशानी होती है कि आपका ऑयल अच्छा नहीं है। लेकिन सीजन्स कनोला की ये क्वालिटी है कि ये फ्रिज में जाने के बाद अगले दिन भी आप इसको निकालेंगे तो ये आपको ऊपर ही नज़र आएगा, ज़रा सा भी नहीं जमता और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन्स शामिल हैं और इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है। और दूसरी चीज़ के मुख्तलिफ़ पैकिंग्स में दस्तियाब है, इनकी 1 लीटर की बॉटल भी है, ये सामने आपको 3 लीटर की बॉटल नज़र आ रही होगी, इसके अलावा इनका आपको 10 लीटर वाली भी मिलेगी जो बड़ी बॉटल होती है, तो आपके लिए जो कन्वीनियंट हो आप ले सकते हैं। पाउच में भी दस्तियाब है, बाज़ लोग नहीं बॉटल्स लेते, उनको पाउच कन्वीनियंट लगते हैं, तो आप पाउच भी ला सकते हैं इसका। तो बहुत ज़बरदस्त ऑयल है, मैं अपने घर में सालों से यही ऑयल यूज़ कर रही हूँ, कोई सीने में जलन नहीं होती, किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं होती। वरना अक्सर हम जब खाना बना रहे होते हैं और कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे होते हैं, ख़ासकर रमज़ानों में या कोई फ्राइड आइटम, तो हम देखते हैं कि हमें खाने के बाद जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही नहीं रहता और इतनी एसिडिटी हो जाती है, इतनी जलन हो जाती है कि आप सोचते हैं कि क्या मतलब मैंने ऐसा क्या खाया था, क्या चीज़ खाई थी, मैंने तो घर का खाना खाया था। अब घर का खाना खाया था तो घर के खाने से जलन क्यों हो रही है? तो आपकी आपने ये सोचना है कि आपने ऑयल कौन सा यूज़ किया या आप किस तेल में बना रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऑयल को बार बार रीयूज़ करते हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है। आपने एक दफ़ा ऑयल यूज़ किया उसके बाद आपने मैक्सिमम दूसरी बार ऑयल को यूज़ करना अगर आप उसमें कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं, लेकिन बार बार यूज़ करने से क्या होता है, ऑयल गाढ़ा हो जाता है जो आपके हार्ट के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो सीजन्स कनोला हमारे साथ मौजूद है और सीजन्स कनोला के साथ आज हम बना रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी। हम बना रहे हैं फ्रेंच चिकन कटलेट्स, बहुत इजी हैं, बहुत मज़े के बनेंगे। तो उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं कि फ्रेंच चिकन कटलेट्स के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे चिकन का कीमा है, यानी मेंस है, 1/2 किलो, ठीक है, बारीक मशीन का निकला हुआ है चिकन का कीमा, 1/2 किलो है। और जो इसमें चीज़ें जाएंगी, उसमें मस्टर्ड पाउडर जाएगा, नमक का इस्तेमाल होगा, मैदा इसमें जाएगा यानी फ्लावर, ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर, ग्रीन चिलीज़ फाइनली चॉप्ड यानी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 अदद छोटी प्याज है फाइनली चॉप्ड, ये हम डालेंगे इसमें, पिसी हुई लाल मिर्च यानी रेड चिली पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून, ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल होगा, वूस्टर शाय सॉस इसमें जाएगा, किसी भी ब्रांड का आप वूस्टर शाय सॉस ले सकते हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, 1 से 1.5 टेबल स्पून, अंडों का इस्तेमाल होगा जिसमें हम अपने कटलेट्स को डिप करेंगे और उसके बाद हम क्रम्स में कोट करके इसको फ्राई करेंगे। तो कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूँगी, बड़ा बोल ले लेती हूँ, बड़े बोल में मैं शामिल कर दूँगी चिकन का कीमा, ये आपने इसमें शामिल कर दिया। और हम इसमें जो मज़ीद मसाले शामिल करेंगे उसमें है नमक तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है, नमक चला गया, मस्टर्ड पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर का इस्तेमाल होगा 1 टीस्पून, इसके अलावा मैदा इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून। और मैदा हम क्यों शामिल कर रहे हैं, मैदा हम इसलिए शामिल कर रहे हैं कि
चिकन का कीमा है, मॉइस्चर होता है इसमें, पानी होता है, तो मैदा जो है एक तो बाइंडिंग में भी काम करेगा, दूसरा ये कि जितना भी कीमे का मॉइस्चर है उसको अब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। ये चला गया इसमें, साथ साथ इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च यानी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज यानी बारीक कटी हुई हरी मिर्च 3 अदद, ये हम इसमें शामिल करेंगे, फाइनली चॉप्ड प्याज ऑनियन जाएगी इसमें बारीक कटा हुआ ऑमलेट की तरह, जिस तरह हम काटते हैं लेकिन ऑमलेट की थोड़ी मोटी थी, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड है, ठीक है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़े से ब्रेड क्रम्स, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, ठीक है जी। और इसमें हम शामिल करेंगे वूस्टरशायर सॉस 1 टेबलस्पून भर के, किसी भी ब्रांड का आप वूस्टरशायर सॉस ले, टीस्पून है तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, अगर आप बड़ा टेबलस्पून लीजिएगा तो उससे आप की मेजरमेंट जो है वो सही होगी, मुझे अंदाज़ा है, इसलिए मैं टीस्पून से डाल रही हूँ। अब आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद आपने इसको अंडे में जो है वो कोट करना है, उसके बाद आपने क्या करना है क्रम्स में कोट करके, और फिर हम इसके बनाएंगे, इसकी फ्राइंग करेंगे, और फ्राइंग हम किस में करेंगे, सीजन्स कनोला में, जो आज हमारे साथ मौजूद है सीजन्स कनोला के साथ बहुत अरसे का साथ है मेरा सीजन्स का, कनोला का और मेरा, क्योंकि मेरे घर में भी यही आता है, सालों से हम सीजन्स कनोला घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर सीजन्स कनोला की मैंने बहुत सारी डिफरेंट जगहों पे एक्टिविटीज़ भी की हैं, डिफरेंट शोज़ किए हैं सीजन्स कनोला के साथ, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप अच्छा कुकिंग ऑयल चाहते हैं अपने घर में, अपनी हेल्थ अच्छी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई बीमारी ना हो, आपका हार्ट सही रहे, आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो सही रहें, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना ऑयल अपने घर अच्छा लेके आना है, कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल कौन सा लाना है, सीजन्स कनोला, ठीक है जी। यहाँ पे खीमे को हम अच्छा सा मिक्स कर रहे हैं, और हाथ से बहुत अच्छी तरह आपने इसका मसाज करना है, ठीक है। बेचारी जो चिकन है ना, वो भी सोचती होगी कि मैं कहाँ फंस गई आके, कि कभी किसी वे में मुझे बनाया जाता है, ऐसा सही रगड़ा दिया जाता है कि बस, और कीमे को जब तक आप अच्छा सा मिक्स नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है जी। ये अच्छा सा आपने इसको मिक्स किया, ये देखें, अच्छा बिल्कुल ड्राई है। एक टिप मैं और दे दूं कि आपके कीमे में ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके कीमे में पानी होगा आपके कटलेट्स नहीं अच्छे बनेंगे, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कीमे में आपने बिल्कुल पानी नहीं रहने देना, छन्नी में स्ट्रेनर में डाल के रखना है ताकि जितना भी उसका पानी है वो निकल जाए, और ड्राई फॉर्म में चिकन का कीमा जो है वो आपके सामने आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया, साथ साथ अब हम क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को जो हमारी यूज़ में नहीं है उसको हम साइड पर कर देंगे, और मैं इसमें जो हमारे पास एग मौजूद है इसमें थोड़ी सी मैं शामिल करूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी फ्लेवर के लिए ब्लैक पेपर पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा आपने शामिल करना है, ठीक है। और इसको आपने अच्छा सा कर लेना है मिक्स, इसको फेंट लें अंडे को, ये हो गया। अब हम फ्लेम ऑन करते हैं यहाँ पे, और मेरे पास सीजन्स कनोला है, सीजन्स कनोला को हम करेंगे ओपन, और इसको ओपन करते हैं, ये देखें, ठीक है। आपने फ्राइंग के लिए जितना हमें ऑयल चाहिए होता है, कबाब तलने के लिए हमें इसको शैलो फ्राई करना है तो हम उतना ही इसमें ऑयल लेंगे, ठीक है।
ये हमने सीजन्स का नॉलेज जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, हम इसके बनाएंगे कटलेट्स। अब कटलेट्स आपके ऊपर हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए और बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। दरमियाने साइज़ के हम कटलेट्स बनाएंगे। ये देखें, एक तरीका तो ये है कि आपने इस तरह से कबाब का इसको शेप दिया इस तरह से, और आपने इसको अंडे में डिप किया ऐसे, और डायरेक्ट आपने डाल देना है क्रम्स में, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको अच्छा सा कोट किया, ये देखिए, ठीक है। एक तरीका ये है, कोटिंग आपने अच्छी करनी है इसकी। एक तरीका तो ये हो गया, और एक मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये छोटी बॉल लेनी है इस तरह से। ये थोड़ा बड़े साइज़ का कटलेट है। अब आपको छोटा अगर बनाना है, आपने छोटी बॉल लेनी है। बॉल शेप दिया आपने इसको, अंडे में डिप किया, अंडे में ये डिप हो गया अच्छा सा, फिर आपने क्रम्स में डाला। क्रम्स में डालने के बाद आपने इसको हाथ से इस तरह से प्रेस कर देना है। ये देखें, हाथ से हमने इसको प्रेस किया, ये कटलेट की फॉर्म में आ गई। ये देखें, अब ये साइज़ देखें और आप ये साइज़ देखें। तो कटलेट्स हमेशा आपने इस साइज़ के बनाने, ठीक है। ये मैंने आपको आइडिया दिया है। फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर रही हूँ मैं, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए, क्योंकि आपने जब भी कोई चीज़ फ्राई करनी है टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऐसे नहीं करना है कि आपने हीट बहुत ज़्यादा दे दिया, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, और फिर आपने जो भी चीज़ डाली तो डालने के साथ ही वो जल जाए और अंदर से वो कच्ची रह जाए। जी जनाब, हमारे यहाँ पे फ्रेंच चिकन कटलेट्स जो हैं वो मैंने पूरे तैयार कर लिए हैं। हमने अंडे में डिप किया था, क्रम्स में कोट किया था, और यहाँ आप देखें इसका साइज़ जो है वो आपने कटलेट के ही साइज़ का रखना है, बहुत बड़ा नहीं रखना है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए थे कि किस तरह आपने इसको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सीजन्स कनोला जो है फ्राइंग पैन में डाल दिया है। हमें इसको शैलो फ्राई करने हैं, डीप फ्राई नहीं करना है। जिस तरह कबाब्स फ्राई होते हैं, कटलेट्स फ्राई होते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने इसको फ्राई करना है। और जितने आपकी फ्राइंग पैन में जगह है आपने उतने ही शामिल करने हैं, ओवरलैप नहीं करना है किसी भी चीज़ को, ठीक है। और जब एक तरफ कलर आ जाए तब आपने दूसरी तरफ इसको टर्न करना है। ये देखें, तो यहाँ पे हमारे जो फ्रेंच चिकन कटलेट्स हैं वो तैयार हो रहे हैं। किस में तैयार हो रहे हैं? सीजन्स कनोला ऑयल में। और सीजन्स कनोला ऑयल का मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें विटामिन ए, डी और ई शामिल हैं, जो हमारी स्किन के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ासकर हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप अच्छा कुकिंग ऑयल अपने घर में लाना चाहते हैं तो सीजन्स कनोला से बेहतर कोई ऑयल नहीं है। तो आज हमारी जो कुकिंग है वो हो रही है सीजन्स कनोला ऑयल में, और बहुत सारी पैकिंग्स में सीजन्स कनोला दस्तियाब है। आपको पाउच में मिलेगा, आपको लीटर बॉटल्स मिलेंगी इसकी। ये 3 लीटर की बॉटल्स आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा 10 लीटर्स का जो कैन है वो भी मार्केट में अवेलेबल है। तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जो आपको आसान लगता है, आप आराम से अपने घर लेकर आएँ और उसमें अपनी कुकिंग करें, चाहे फ्राइंग करें, चाहे आप सालन बनाएं, चाहे आप बेकिंग करें, कुछ भी करें, आप सीजन्स कनोला ऑयल अपने घर में लेकर आइए, ठीक है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। और साथ साथ कोई फरमाइश करना चाहते हो तो हमारा जो चैनल है वॉन कुकिंग शो विद शेफ़ फरजाना, उस पर आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि आपको शो कैसा लग रहा है। साथ साथ आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं कि आपको और कौन कौन सी रेसिपीज सीखनी है, तो मैं ज़रूर आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगी, क्योंकि फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका।
जनाब हमारे कटलेट्स जो हैं वो यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और जो जो होते जा रहे हैं मैं उनको निकालती चली जा रही हूँ। और आप देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। आपने भी सेम ऐसे ही कलर देना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करने हैं क्योंकि ठंडे होने के बाद ये मज़ीद इनका कलर जो है वो डार्क हो जाता है, तो इतना ज़्यादा आपने इसको नहीं करना है। अच्छा, यहाँ मैंने प्लेटर जो है ये तैयार कर लिया है कटलेट्स के लिए, तो कटलेट्स को जो है वो हम इस पर अरेंज करेंगे। जैसे आपका दिल चाहे, मैं बहुत ज़्यादा भरूंगी नहीं, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लेटर को बहुत ज़्यादा भरना नहीं है आपने। और ये वाले भी हमारे तैयार हो गए, ऐसे भी मैं निकाल लूँगी। कलर ज़रूर ब्रेक किया करें, ठीक है। जब भी कोई चीज़ आपने प्रेजेंट करनी है अपने प्लेटर पे तो कलर ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे क्या होता है कि आपकी डिश बहुत अच्छी लगती है। और ये हरा धनिया है, इसको मैं फाइनली चॉप कर रही हूँ और आपने इस तरह से इसको प्लेटर पे फैला देना है, ठीक है। और ये हमारे ज़बरदस्त से जो फ्रेंच कटलेट्स हैं ये तैयार हो चुके हैं और रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। इसको ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक देना है। बहुत आसान रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की रेसिपी है, तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और ट्राई किस में करना है आपने? सीजन्स कनोला में, क्योंकि सीजन्स कनोला हमारे साथ है और सीजन्स कनोला जो है अच्छा ज़बरदस्त ऑयल है। अगर आप अच्छा ऑयल घर में लेकर आएंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपके खाने भी अच्छे बनेंगे। और आपको फ़ायदा आपको है कि बजाय ये कि आप हॉस्पिटल्स में जाकर इतने बड़े बड़े बिल दें लो क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल करके, उसके बाद आपकी तबीयत ख़राब हो। फिर आपको पता है कि जब आप इंसान हॉस्पिटल में जाता है तो बहुत खर्चे हो जाते हैं, बहुत बिल्स आ जाते हैं, तो उसके बजाय अच्छा है कि आप एक अच्छी क्वालिटी का ऑयल अपने घर लेके आएँ ताकि आप ख़ुद भी सेहतमंद रहें, आपके घर वाले भी सेहतमंद रहें, बच्चे भी सेहतमंद रहें और आप उसमें मज़े मज़े की रेसिपीज़ को भी ट्राई करते रहें। तो सीजन्स कनोला अपने घर ज़रूर लेकर आएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारा जो चैनल है वॉन कुकिंग शो विद शेफ़ फरजाना, इसको आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका फीडबैक। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। ऑन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।